हाथियों को शीघ्र के नीचे खड़ा कर लिया। जब गोवर्धन महाराज के नीचे खड़ा कर लिया तो मेरे भैया आज भगवान कन्हैया को जैसे ही खड़ा देख यशोदा मैया समझ आए के बोली, अरे ग्वाल वालो जे का कर रहे हो, देखो हमारा कन्हैया अकेले उठाया, अगर तुम अपनी लाठी का थोड़ा थोड़ा सा बल दे दो तो हमारे बेटे को थोड़ा सा आराम मिल जाए। मेरे भैया तब तक से देखा उधर से राधा जो राय राधा भगवान कन्हैया के सामने चली आई। अब जैसे ही सामने चली आई सुनने को मुस्के आए दो, अब जैसे ही नेक मुस्के आए दो तो मेरे भैया डगमग डोले तो पर्वत रे और ये अनिरुद्ध भैया जी की तरफ से जो कि इसी गांव बनखड़िया के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं आ रही हैं जो गोवर्धन महाराज के पूजन में माता रानी की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ भंडार भरे रहे। मेरे भैया दामा एकदम से आया और कहने लगा है, बोले अरे राधा का कर रही हो, तो गिराइबे के चक्कर में फिर रही हो, चलो हटा। दामा ने एकदम से राधा को वहां से हटा दिया। जब राधा को वहां से हटा दिया मेरे भैया, आज उस गोवर्धन पर्वत पर जब वो मेघ बारिश कर रहे हैं लगातार 7 दिनों तक बारिश की है, जब वो मेघ थक गए उनमें बिल्कुल भी बल नहीं रहा, जाकर के इंद्र से कहा, बोले इंद्र अब हम में इतना बल नहीं है जो हम और वर्षा कर सकें। मेरे भैया जब वर्षा बंद हुई है भगवान कन्हैया ने उस गोवर्धन पर्वत को वहीं पर रख दिया, और जब वहीं पर रख दिया इधर सभी वृंदावन वासी जो थे अपने अपने घर को चले आए। और सुना जाता है एक विद्वान कहता है कि गोवर्धन महाराज पर जितनी भी वर्षा हुई वो भगवान कन्हैया ने उस गोवर्धन पर्वत को इतना गर्म किया जो भाप बन करके उड़ गया। और एक विद्वान कहता है कि दुर्वासा ऋषि उसी जल को उंजली लगा करके पी गए थे। अब चाहे जो भी मान लो, जो भी ठीक लगे आपको, बोलिए गोवर्धन महाराज की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। इस प्रकार से मेरे भैया भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया है। एक भजन बोलेंगे, सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके जो भी माताएं बहनें नाचना चाहती हैं वो नाच सकती हैं, और उसके बाद में आरती, क्योंकि शाम को भी होना है। ताली बजा करके बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके। बोलेंगे हमारे साथ में, कि बंसी बन जाऊंगी, कि मुरली बन जाऊंगी, और कान